नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल रूपल की रसोई में। आज हमने तैयार करी जोधपुरी मारवाड़ी कढ़ी। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। जोधपुरी कढ़ी बनाने के लिए हमने 1 लीटर छाछ, आप दही किसी का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही हमने लिए चने की दाल 1 कटोरी, जिसे मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। बेसन 1 कटोरी। छोके के लिए हम प्याज यूज करेंगे। लहसुन थोड़ा हम ज्यादा लेंगे इस कढ़ी में। साथ ही कड़ी पत्ता 2 लौंग, 2 काली मिर्ची, सौंफ, मेथी दाना, 2 साबुत लाल मिर्ची, राई 1 चम्मच, 1 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। साथ ही हम हींग यूज करेंगे। जो हमने बेसन लिया था हम इस छाछ में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पूरी अच्छी तरह हम इसको घोट लेंगे जिससे इसमें एक भी गुठली ना रहे। हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन को हम एकदम बारीक कूट लेंगे। लहसुन और मिर्ची को हमने बारीक कूट लिया है। कढ़ाई भी हमने गर्म होने रख दी है। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। थोड़ा तेल हमने ज़्यादा लिया है। जैसे ही हमारा तेल गर्म होता है हम उसमें डालेंगे लौंग, काली मिर्ची, साथ ही हम इसमें कड़ी पत्ता भी डालेंगे। लौंग और काली मिर्ची हमारी अच्छी तरह तला चुकी। इसमें हम डालेंगे जो हमने मेथी दाना दिया था 1 चम्मच, मेथी दाने को हिलाते हुए हम राई डालेंगे और सौंफ। सौंफ की अच्छी खुशबू आने लगी। अब जो हमने पेस्ट तैयार करा था मिर्ची अदरक लहसुन का, उसे डालेंगे और 1 मिनट तक इसे हम भूनेंगे। जो हमारी लाल मिर्च रही थी उसे भी हम डाल देंगे इसमें। प्याज, प्याज को भी हम हल्का सुनहरी होने तक भूनेंगे। मैं पहले आपको चीनी डालना बताना भूल चुकी थी। ये हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे इसमें, इससे इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा। प्याज को हमने 1 मिनट तक भूना है, हल्के से गुलाबी हो चुके हैं। और हमने जो दाल भिगो के रखी थी उसे डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच नमक, साथ ही हम डालेंगे इसमें कश्मीरी मिर्च, क्योंकि हमने लाल मिर्च नहीं डाली थी, सिर्फ हमको कलर के लिए मिर्च डालनी है, इसलिए हमने कश्मीरी मिर्च डाली है। 1 चम्मच हम हल्दी डालेंगे, हल्दी इसमें थोड़ी ज्यादा चाहिए। 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। इसके साथ हम इस मसाले को 1 मिनट तक और भूनेंगे। हमारे सारे मसाले अच्छी तरह पक चुके हैं। अब हमने छाछ में जो बेसन मिला के रखा था उसे डाल देंगे। ऐसे हिलाते हुए हम डालेंगे कंटिन्यू। कढ़ी को हमें हिलाना है नहीं तो ये फट जाएगी। इससे 10 से 15 मिनट लगेंगे हमें इसे अच्छी तरह पकाने में। हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे हिलाते हुए। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, कढ़ी में उबाल आ चुका है, एक उबाल आ चुका है। जैसे ही कढ़ी में एक उबाल आता है हमने जो हींग ली थी हींग में बाद में डाल रही, जिससे इसकी खुशबू इसमें रहेगी। हींग डाल दी हमने, साथ ही 1 चम्मच हमने कस्तूरी मेथी ली थी उसे भी मैं मैश करके इसमें डाल दूंगी। और इसे 5 से 7 मिनट तक और उबालेंगे अच्छी तरह। 2 से 3 उबाली आ चुकी इस कढ़ी में और ये अच्छी तरह उबल गई है और पक चुकी है। कढ़ी पूरी तरह से खाने के लिए तैयार है। ये जोधपुर की फेमस कढ़ी है जो कि शादी और पार्टी में बनाई जाती है। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, खिचड़ी के साथ एंजॉय कीजिए।